अभी हम देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से 5, 6, 2, 5 का वर्गमूल कितना होता है, यानी अंडरूट कैसे निकालें। वर्गमूल को आप कैसे लिखते हैं, अंडरूट से लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड यानी भाग विधि काम में लेने वाला हूँ। करेंगे क्या, बिल्कुल सिंपल है। दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे, तो ये दो अंक का जोड़ा, फिर आगे दो अंक का कितना 56, 56 के लिए एक संख्या का चुनाव करेंगे। ये संख्या लेंगे 1 से लेकर 9 तक, लगाओ दिमाग, जिसका खुद के 7 गुणा करने पर हम 56 के नज़दीक पहुँच जाएँ। तो हमने लिया 7 गुणा 7 कितना होता है 49। ये देखिए 56 से छोटा है और 56 के नज़दीक है, ये ध्यान रखें, 56 से छोटा होना चाहिए और 56 के नज़दीक होना चाहिए। तो हमने लिया 7 गुणा 7 कितना होता है 49। किसको लिया, 7 को एक बार यहाँ ऊपर लिख दो, फिर इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। ऊपर से जो दो अंक हमने अंडरलाइन किए उसको यहाँ नीचे ले आएंगे, फिर वही लगाओ दिमाग, इसके साथ कौन सी संख्या लें उसी का गुणा करें कि इससे बड़ा ना है। तो हमने लिया 5 का गुणा किया, 5 × 25 2 किरे आ गया, 4 × 5 = 20 और 2 = 22 2 किरे आ गया, 5 और 2 = 7 आ गया। किसको लिया हमने, 5 को तो एक बार यहाँ ऊपर लिख दो, फिर घटाया 0 आ गया, 0 आ गया, आगे कोई अंक नहीं है मतलब प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जो वैल्यू बनाया कितना 75, ये आपका क्या है, आंसर है। तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं। फाइनली सुरेंद्र खिजरी यूट्यूब पर सर्च करें, हमारे अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।